हेलो फ्रेंड्स, माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे भी एजुकेटर, काफ़ी सारे कोर्सेज मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मुझे कोर्सेज देख सकते हैं और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज स्पेशली आप सभी लोगों के लिए जो वाई ग्रुप आपका है उसकी मैथ के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा यहाँ पे, और आज यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। ये क्रैश कोर्स आप एक तरह से मान सकते हैं। इसमें मैं क्या करूँगा कि जिस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनसे एक एक दो दो क्वेश्चन लेके मैं आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें, ताकि आप उन क्वेश्चन को आसानी से अटैम्प्ट कर सकें और इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा आप मिल जाएंगे आपको, ठीक है? तो गाइज, आप सभी लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और आप लोगों को मेरी ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों की बहुत हेल्प करूँगा। तो बस आप अपना प्यार बनाए रखें, वीडियोज़ को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में, और जो भी समस्या हो आप मुझे बताते रहें, मैं आपको कंटिन्यू करता रहूँगा। देखिए, आपके 12 टॉपिक लगभग पूछे जाते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की अगर मैं बात करूँ। वैसे तो जो मैथ हर सब्जेक्ट जो भी आती है आपकी, जिस भी एग्ज़ाम में परसेंटेज जैसे हम पढ़ेंगे आज, तो सभी के लिए यूज़फुल होती है। लेकिन अभी हम वाई ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे 12 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, तो रोज़ मैं एक एक वीडियो आपको दूंगा जिसमें क्या होगा कि सारे टॉपिक मैं आपके करवा कवर करा दूंगा। उसमें से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इन 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 12 टॉपिक्स में से 8 क्वेश्चन, हो सकता है आपके कोई भी टॉपिक मिस हो जाए और हो सकता है आप जो टॉपिक ना पढ़ के जाएँ उससे क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है? तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन आपके पास में है कि देखिए, मैं हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें आपको कोई क्वेश्चन सिंपल भी लग सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है पहले भी, तो आप ऐसा ना सोचे कि आगे क्वेश्चन आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। सारा वीडियो देखिए पूरा, तभी तो आपको समझ में आएगा। देखिए, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75? किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। जैसा पूछा जाएगा मैं वैसा ही बताऊँगा। हम देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, एक्स है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या पता है कि एक्स जो है ना उसका 18%, ये क्या बोल रहा है, जो आपके पास में एक्स है उसका 18%। तो 18% आप यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स इंटू 18%, परसेंट को उठाने के लिए आप उसे 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये परसेंट से ये परसेंट आपका 100 हट जाएगा, ठीक है? तो ये आप 100 लिखें या ना लिखें, जैसे 18% आपने लिखे, 12% लिखेंगे यहाँ पे, तो ये परसेंट से परसेंट हट जाएगा, ठीक है? ये बोल रहा है कि एक्स का जो 18% है वो बराबर है 75 के, कितने के, 12% के। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सीधी सी बात ये है। तो अब यहाँ पे आप क्या हो जाएगा कि ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 18x और उसके साथ में यहाँ पे आपके पास में 12 है इंटू 75, तो 12 है इंटू 75। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 18 और 12 है ये 6 से कट रहा है, तो अब डायरेक्ट यहीं पे सोल्व कर लेता है। ये तो इसमें डिटेल से दे रखा है। जैसे आप देखेंगे 6 से ये कट रहा है, तो ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ठीक है? तो 75 × 2 कितना होता है आपके पास में, आपको पता ही है, 150। अब 150 / 3 आपके पास में कितना हो गया, 50। तो कैलकुलेशन को आप कैसे भी फास्ट बना सकते हैं, आपको ज़्यादा स्टेप नहीं करने हैं, आपके मन के अंदर कैलकुलेशन करना है और फास्ट फास्ट क्वेश्चन को करना है। तो परसेंटेज एक अपने आप में 100% हो सकता है, जैसे कोई भी नंबर है, 2 है, ये भी अपने आप में 100% हो गया। अगर 2 को आप 100% मान लेते हैं तो इसका 1% भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे 1% निकालना है आपको किसका, 2 का / 100, ठीक है? तो ये आपके पास में हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो नंबर है वो क्या होगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि 2 नंबर आर मोर देन द थर्ड नंबर बाई 20% एंड 50% रेस्पेक्टिवली, फाइंड द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे हिंदी में भी आपको मैं बता देता हूँ कि 2 संख्याएं हैं, ठीक है, जो तीसरी संख्या के क्रम से, एक संख्या तो 20% ज़्यादा है और एक 50% ज़्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत ज़्यादा है? आप इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, अगर आपको आता है तो क्वेश्चन को पॉज करके सोल्व करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है? तो अब मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास में कैसे करना है आपको, कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि द लेट द नंबर थर्ड नंबर, हम तीसरा नंबर मान लेते हैं कि वो 100 है। अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन के अनुसार कि जो दूसरा नंबर है वो क्या है कि इससे 50% ज़्यादा है तीसरे नंबर से, तो 50% ज़्यादा का मतलब 50 ज़्यादा है, यानी कि ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा। और ये कहता है कि जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से 20% ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, मोर देन 20%, तो ये आपके पास 120 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 100 है, ये 20% ज़्यादा 120 हो जाएगा, ठीक है?
अब ये क्या कहता है कि इसका जो पहला नंबर है ये दूसरे परसेंट का कितना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा कि ये जो पहला नंबर है, पहला नंबर आपके पास में कितना है 120, और दूसरा नंबर क्या है 150। तो पहला नंबर दूसरे का, तो पहले नंबर को जिसका जिसके साथ में निकालना हो, तो जो आपके पास में निकालना हो वो ऊपर रखना है, और जिसके साथ निकालना हो तो 150 × 100, ठीक है। तो ये आपके पास में हो जाएगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 80%, यानी कि ये क्या है इसका 80% है। जो 120 है वो 150 का 80% है, ठीक है। अगर इसमें 120 में 20% और जोड़ दें तो ये 150 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो ये आपको सिंपल से इस तरह से सोल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि इफ़ एज हाइट इज़ 10% मोर देन बीज हाइट, बाई हाउ मच परसेंट इज़ बीज हाइट लेस देन दैट ऑफ ए, यानी कि ए की लंबाई जो है आपके पास में बी से 10% अधिक है, तो बी की लंबाई ए से कितना परसेंट अधिक है। यानी कि क्या कह रहा है कि एक नंबर है जैसे ए है, ए की हाइट 10% बी से ज़्यादा है, तो बी की कितनी कम हो गई, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए, आप देखिए जो ये आपके पास में यहाँ पे दिया गया है, हम मान लेते हैं ये ए है ये बी है। अब देखिए सबसे पहले आपको बात ये हो रही है कि 10% की बात हो रही है, तो 10% को फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। फ्रैक्शन इसका कैसे निकालेंगे, परसेंटेज हटा देंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो ये आपके पास में 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको जिससे साथ में कंपेयर करा रहा हो, ठीक है, जैसे बी की ए से, तो बी को क्या मान लेना है, यहाँ पे 10 मान लेना है। जैसे आप यहाँ पे ए की हाइट पूछिए बी से, तो ए आपके पास में कितना हो जाएगा, सॉरी बी आपके पास में कितना हो जाएगा 10, और ए की हाइट जो है ज़्यादा है 10%, तो ए की हाइट बी से ज़्यादा है, तो ए की हाइट अगर 10 है तो बी की हाइट 11 हो जाएगी। सेम उसी प्रकार अगर आप इसको 100 मान लेते तो ये आपके पास में 10% ज़्यादा इसका निकालते तो 10 आ जाता और ये 110 हो जाता, जीरो से जीरो खत्म हो जाता। तो ये सेम वही है कि बी की हाइट अगर 10 है तो ए की हाइट 11 हो जाएगी, क्योंकि बी की जो हाइट है ना वो कम है ए से, तो कितना कम है ये आपको बताना है। अब यहाँ पे आपके पास देखेंगे कि बी की हाइट कितनी कम है, आप कंपैरिजन देखिए, ये 10 है ये 11, एक कम है, और किस से कम है ए से, ए से कम है, तो ए का मान निकला है, ए का मान कितना 11 × 100, तो ये आपके पास में हो जाएगा। और इसका जो मान होगा आपके पास में कितना हो जाएगा 9 × 9, सही 1/11%, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो 100/11 आज आपके पास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने अभी आपको सोल्व किया, जैसे इसको सोल्व करोगे तो 100/11 आएगा और ये आपके पास में परसेंटेज के रूप में आ जाएगा। अब इसको आप चाहें तो अल्टरनेट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास में दिया गया है कि कितना बाई यूजिंग फॉर्मूला रिक्वायर्ड परसेंटेज, जैसे कितना परसेंट रिक्वायर्ड है 10%, ठीक है, और कितना आपको दिया गया है 100/10 × 10, ये परसेंटेज आपको लगाने के लिए, और जितना जैसे 10% ज़्यादा है और इसका मान कितना है 100% तो हो गई, लेकिन ये 10% ज़्यादा भी है इससे, तो सेम उसी प्रकार से ये आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 9 1/11। बाकी मैं प्रेफर करूँगा कि आप फर्स्ट इसको ही ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपको माइंड एकदम सही से काम करता है। फॉर्मूला आप याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको चीज़ों को समझना है। अब फॉर्मूला हो सकता है आपको थोड़ा सा 10 की जगह आप यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि बी गोट 20% मार्क्स लेस देन ए, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गेट मोर देन बी, यानी कि बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, तो ए को बी से कितने परसेंट अधिक प्राप्त होंगे, तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप पोज करके सोल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखिए रिक्वायर्ड परसेंटेज आपके पास में कितना है 20, और वहाँ पे आपके पास में बोल रहा था कि बी जो है आपका कितना परसेंट कम करता है 20%, ठीक है, तो ये आपके पास में कम होता है, तो ये आपके पास में हो जाएगा कितना 25%। तो 20/100 − 20 × 100% इस कर देंगे तो ये 25% हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज आपके पास हो गया। इसके साथ ही अल्टरनेट जो था आपका, इसी से आप कीजिएगा जो मैं आपको अभी पहले बताया था। जैसे 20% है, 20% का फ्रैक्शन आपके पास में 1/5 हो गया, तो ए से बी क्या हो जाएगा कि 1/5 है, ये 20% कम प्राप्त करता है। अगर ए को 5 प्राप्त होता है तो बी को कितना होगा 4, क्योंकि इस बार क्या है कि कम प्राप्त करता है तो ऊपर वाली संख्या को माइनस करना है, तो ये 5 है तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो उसके बाद में क्या कहता है कि जो ए है वो इससे कितना अधिक प्राप्त करता है, ठीक है, जो ए है बी से कितना अधिक प्राप्त करता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसका 5 है इसका 4 है, तो अधिक अधिक कितना है 1, और किससे बी से, बी से कितना तो 4 और इंटू 100, तो ये 25% आ जाएगा। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप इससे कर लीजिए, ये आपके पास में हो जाएगा। यानी कि जितना आपको परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो आपको लिख देना, जैसे 20% का आपको फ्रैक्शन निकालना था तो 20%, साथ ही साथ आपको करना है कि 100 माइनस या प्लस जो भी आपका हो रहा है, जैसे 20% कम हो रहा है तो वो आपको माइनस कर देना, जैसे 20% कम है पहले आपको दिया गया है, इंटू 100 कर देना है,
ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन था आपका कि 25% ज़्यादा होता है, तो 25% ज़्यादा होता है तो 25/100 + 25 × 100, तो ये आपको सोल्व करके आपको पता चल जाएगा कि किसका किससे ज़्यादा है, किसका किससे कम है। ओके, उसके बाद में है कि पियांशुज सैलरी वाज रिड्यूस बाई 10% एंड देन द रिड्यूस सैलरी वाज इंक्रीज बाई 10%, हिज न्यू सैलरी इज कंपेरिजन विद हिज ओरिजिनल सैलरी इज। यानी कि आपका जो प्रियांशु है उसका वेतन पहले 10% घटा दिया गया, फिर घटाया गया 10%, और फिर वेतन को 10% बढ़ा दिया गया, तो उसका वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या होगा। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा होता है कि एक बार वेतन को घटा दें और उसके बाद दोबारा बढ़ाएं, तो वेतन हमेशा कम ही मिलता है। सेम परसेंटेज जैसे आप देखेंगे कि पहले इनिशियली फर्स्ट बार क्या हुआ कि 10% आपके पास में दिया गया, 10% पे सारा काम हो रहा है, तो 1/10 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। ओके, उसके बाद पहली बार में क्या हुआ कि उसकी सैलरी 10 से क्या कर दी, नो कर दी, यानी कि कम कर दी गई, 10% कम किया गया, तो 10 से क्या हो जाएगा 9। उसके बाद क्या किया कि उसे 10% से बढ़ा दिया गया, तो 10 से क्या हो जाएगा 11। अब इसमें देखिए कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास 100, ये 99। यानी कि ऐसी स्थिति में आपको क्या होता है कि हमेशा कम ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 100 से 99 उसकी सैलरी होगी 10% घटा के फिर बढ़ाने के बाद में, तो यहाँ पे आपके पास में कितनी घटी है, 1, और कितने पे घटी है आपके पास में, यहाँ पे 100 पे × 100, यानी कि 1% से ये सैलरी क्या हो गई, घट गई। वैसे आपको ये करने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट दिख रहा था कि 100 से 99 हो गया, यानी कि 1% कम हो गया। अगर 100 से 101 हो जाता 1% ज़्यादा हो जाता, ठीक है, तो ये आपके पास में 1% हो जाएगा। उसके बाद में आपको अल्टरनेटिव मेथड भी आपके लिए यहाँ पे है, तो अल्टरनेट है कि ऐसी स्थिति में क्या होगी, जैसे अगर सेम परसेंट से घटाया जाए, सेम परसेंट से बढ़ाया जाए उसी चीज़ को, तो आपको क्या कर देना है कि x² / 100 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100/100 1 हो जाएगा, तो वो 1% आ जाएगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, x² / 100। जैसे यहाँ पे होता है कि पहले प्रियांशु की सैलरी 20% घटाई जाती है और फिर बढ़ा दी जाती है, तो पहले आपके पास में क्या हो जाता है 20² / 100। ठीक है, तो ये आपके पास में इसको सोल्व करने के बाद जो भी आता वो उतना परसेंट आपके पास हो जाता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी एंड 42% इन इंग्लिश, इफ़ 17% फेलियर इन बोथ द सब्जेक्ट्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। यानी कि एक परीक्षा में 52% हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, तो यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखिएगा, उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। देखिए कैसे करना है कि स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, हिंदी में कितने फेल हुए 52%, तो स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश ये आपके पास 42% दिया गया है, और स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट दोनों में 17%। तो वेन डायग्राम आपको बना लेना है, कैसे बनाएंगे कि दो सब्जेक्ट आपके पास में, एक हिंदी है एक इंग्लिश है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस तरह से करना है हिंदी इंग्लिश दोनों को। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि पहले बीच वाली जो वैल्यू लिखनी है, सबसे पहले क्या करना है कि जैसे 17% दोनों में फेल हुए हैं तो 17% लिख देना। अब हिंदी में कितने हुए हैं, हिंदी में आपके पास में 42% है, तो इसमें देखिए 17% तो पहले ही आ चुका, अब बचा कितना 35%। उसके बाद में इसका कितना था आपके पास में 40, इसका कितना था एक मिनट, 52% था इसका, तो पहले वाले का इसका 52% था, तो ये आपके पास में 35 + 17 52 हो जाएगा। ठीक है, इसका 42 था, तो 17 में कितना जोड़ना है आपको कि 42 आ जाए, तो 25%। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद में अब आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो वेन डायग्राम में आपके पास में सबसे पहले क्या हो रहा है कि फेल स्टूडेंट सारे दिखा रहे हैं, तो टोटल परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स इन बोथ सब्जेक्ट 100 - 35 + 17 + 25, यानी कि 100 - 77, यानी कि 23% आपके पास में बच गए। तो ये तो सारे क्या थे, जो फेल वाले थे, तो वेन डायग्राम में सारे डाटा आपको क्या करना है, या तो फेल वाले रखने या पास वाले, इसमें सारे फेल के दिए गए हैं, तो ये सारे क्या हैं, फेल वाले कैंडिडेट हैं, तो इस सभी को जोड़ देना है और इसे 100 से माइनस कर देना, क्योंकि सारा डाटा क्या होता है 100% होता है, तो 100 - 35 - 17 - 25। अब जैसे ये हो जाएगा आपके पास में बचा 23%, यानी कि सारे जो 77% है ये तो फेल हो गए, तो 23% आपके पास में क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि एट एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट गोट 38% ऑफ वोट्स एंड लॉस्ट बाई 7200 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वर। यानी कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वो 7200 वोटों से क्या गया, हार गया, तो उसे वोटों की कुल संख्या कितनी थी।
ठीक है, जो क्वेश्चन बताना है आपको। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया जा सकता है, अगर आपको आता है तो ये ऑप्शन है आपके पास में, वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। उसके बाद मैं बात करूँ आंसर की, तो ये आपके पास में आंसर निकालते हैं इसका। देखिए तो लेट द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट है कोई भी, जैसे 100 वोट आपके टोटल पड़े हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ है कि 100 वोटों में से 38% वोट तो क्या हुआ, जो कैंडिडेट हार गया उसको प्राप्त हुए। अगर उसको 38% प्राप्त हुए तो बाकी बचे 62% जो हैं वो किसको प्राप्त होंगे, दूसरा कैंडिडेट जो यहाँ पे क्या हुआ है, जीता है, ठीक है। तो 62% परसेंट वोट उसको प्राप्त हुए, यानी कि 100 का 62% 62 ही हो जाएगा और ये 38 हो जाएगा। अब जो मेजोरिटी है, इन दोनों का डिफरेंस होता है मेजोरिटी, कि कितने वोटों से जीता है। ये आपके पास में बोल रहा है कि जो 724 है इसकी वैल्यू जो है आपके पास में ये है 7200, ठीक है। तो रिलेशन आप इसे निकालिए कि ये आपके पास में कितना हो जाएगा, इसे 24 से काट दीजिए, 3 टाइम चला जाएगा, ठीक है, तो 300 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में कितना हो गया, 300। अब यहाँ पे जो रिलेशन आया है वो सभी के लिए अप्लाई हो गया, ये कहते थे टोटल वोट थे। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आपके पास में टोटल वोट आ जाएंगी और ये आपके पास में कितना हो जाएगा, इसको 300 × 100 यानी कि 30,000 वोट आपके पास में आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट आपके पास में डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है कि ए डिस्ट्रिक्ट हैज़ 64,000 यानी कि 64,000 इनहेबिटेंस इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.1/2% पर एनम, द नंबर ऑफ इनहेबिटेंस एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स विल बी। यानी कि एक जिला है आपके पास में, उसमें 64,000 निवासी हैं तथा जनसंख्या जो आपकी वो 2.5% वार्षिक दर से, यानी कि एक साल में 2.5% बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष के बाद में यानी कि 3 वर्ष के अंत में जिले में कुल कितने निवासी होंगे। अभी कितने हैं, 64,000 हैं, और 3 वर्ष बाद में कितने होंगे। तो देखिए कैसे करना है आपको, यहाँ पर आपको दिया गया है 2.1/2%, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5/2%, और परसेंटेज को आपको बनाना है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन बनाएंगे आप यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/40, क्योंकि इसको आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, ये आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो 1/40 आ गया, तो इनिशियली तो आपके पास में क्या हो जाएगा, नीचे वाली जो वैल्यू होती है, कभी भी आपको फ्रैक्शन निकालना हो, उसको प्रारंभ करना हो, तो इनिशियल जो नीचे की वैल्यू है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। यानी कि पॉपुलेशन जो थी फर्स्ट ईयर में इनिशियली कितनी थी, 40 थी, अब 2.5% बढ़ गई, तो ऊपर वाला देखिए हमें बार बार बताता हूँ कि ऊपर वाला घटेगा या जुड़ेगा, नीचे वाला तो क्या होगा, मेन वैल्यू होगी और उसमें जो परिवर्तन होगा वो ऊपर वाला होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2.5% बढ़ रही है, अगर कम होती तो यहाँ पे माइनस कर देते, तो अगर इसको क्या करना आपको प्लस, तो ये आपके पास में कितना हो गया, 41। ये तो एक साल के लिए हो गया, सेम इसी प्रकार से उसने बोला कि 3 साल तक होता है, तो 40 से 41, 40 से 41, ठीक है, ये आपको कर देना है। अब इन तीनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास में आपके कोइंसिडेंस ही मान लिया आप यहाँ पे कि इसमें 64,000 ही आ गया, बाकी ऐसा हर बार नहीं होगा कि 64,000 ही आ जाए, हो सकता है, पर ये जरूर है कि जैसे आपके पास में 64,000 यहाँ पे दिया गया, या हो सकता था यहाँ पे 32,000 आ जाए इनको मल्टीप्लाई करने पे, तो रिलेशन आप यहाँ पे निकाल सकते थे, तो ये जरूर कटेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये था 3 साल पहले की वैल्यू, और जो 3 साल बाद में जो आपके पास में आएगा वो हो जाएगा 68,921, ठीक है, 68,921, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये आपसे कहेंगे कि सर ये कैसे आ गया, तो ये आपने मैंने अभी आपको बताया कि फ्रैक्शन आपको बनाना है, फ्रैक्शन आप 2.5% का बना लीजिए, 1/40 आएगा, और 40 जो होता है ये नीचे जो है आपका इनिशियली वैल्यू हो, ठीक है, प्रारंभिक मान होगा, जो प्रारंभ में हमने 40 माना पहली साल के लिए, फिर 41 हो गया, ये प्लस होगा आपके पास में, अगर बढ़ रही है घट रही होती तो 39 हो जाता, ठीक है, ऐसा 3 साल तक होता है, उसने खुद बोला आंसर क्वेश्चन में, तो उसके बाद 3 साल तक आपको सेम ऐसी प्रोसेस करनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है, और इसके बाद जो आपके पास में दिया गया, जैसे हो सकता था कि वो बोल देता कि 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी वो ये रहेगी, तो 3 साल पहले क्या है ये आपसे पूछ लेता, तो इसका रिलेशन आपको निकालना पड़ता क्वेश्चन में जो दी गई वैल्यू थी उससे, अभी आपको इससे रिलेशन निकालना है, क्योंकि इससे रिलेशन एक का है, तो एक से इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट डीप परसेंटेज बाय 20% ईच ईयर, हाउ मच लेस विल बी द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट बी आफ्टर 3 ईयर। यानी कि किसी औजार का जो मूल्य है वो प्रतिवर्ष क्या होता है, 20% घटता है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, 20% घट रहा है, वो 2.5% बढ़ रहा था, ये 20% घट रहा है, तो 3 वर्ष बाद औजार का मूल्य क्या होगा। अभी बोल रहा है
कि यह आपके पास में प्रतिवर्ष 20% घटता है, तो 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा। अब सिर्फ आपको मान के इसमें पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्रैक्शन आपको निकाल लेना है। 20% घट रहा है या बढ़ रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन आपको निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास में 1/5 मल्टीप्लाई नहीं करना, सॉरी डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1/5 आ गया। अब ये इनिशियल मान होगा, प्रारंभिक मान। तो प्रारंभ में पहले साल में क्या था कि उसका मान 5 था, अब कम हो रहा है 20%, तो माइनस करेंगे ऊपर वाली वैल्यू, तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद में ये सेकेंड ईयर के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, क्योंकि 20% फिर घटेगा। थर्ड ईयर के लिए भी सेम यही रहेगा। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, इनको मल्टीप्लाई करने पे 125 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे 64 हो गया, यानी कि 3 साल पे जिसका मान 125 था वो 64 हो गई, तो कितना कम हो गया, -61 हो गया। अब ये आपको पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट कम हुआ, तो आपको क्या करना है कि -61 है तो ये 61 हो गया, और कितने पे कम हुआ, यानी कि 125 था पहले, तो पहले वाली वैल्यू, ठीक है, इंटू 100 कर देना। आपको फाइनल वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है, पहले वाली लेनी है, क्योंकि कभी भी आप निकालें, जैसे कॉस्ट प्राइस आप निकालते हैं तो वो आपके पास में क्या रहती है, आप जैसा इनिशियल वैल्यू पे लेते हैं, ठीक है। तो यह आपके पास में 125 हो गई, और इसके लिए आपको लेना है 61 का क्या हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ कि 61 कम हो गई, हो सकता था 61 बढ़ जाती, तो यहाँ पे जो आपके पास में कमी होगी कितने परसेंट की हो जाएगी, 48.8%। इसको तो आप सोल्व कर ही लेंगे, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर सोल्यूशन कंटेन्स 40% एल्कोहल स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन द न्यू सोल्यूशन विल बी, इनकी 5 लीटर आपके पास में कोई एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 40% एल्कोहल है, 5 लीटर का मिश्रण है उसमें 40% क्या आपके पास में एल्कोहल है, और 60% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया गया, ठीक है, तो जो नया मिश्रण आपके पास में बनेगा उसमें अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा, इनकी प्रतिशत उसमें कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, आपको आता है तो पॉज कीजिए और उसका आंसर निकाल के फिर चेक कीजिए। ओके, मैं बताता हूँ आपको फिर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे पता है कि 40% दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में जब भी आपको परसेंटेज मान दे तो उसका फ्रैक्शन निकाल ही लेना है आपको। जैसे 40% है, 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5, याद कर लीजिए, या तो कुछ टाइम बाद ऐसे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2/5 हो गया। उसके बाद में जो इनिशियल मान है, ठीक है, ये तो आपके पास में क्या है, पूरा मिक्सर है, ठीक है। टोटल मिक्सर आपके पास में कितना है, ये बोल रहा है कि मिक्सर है, ठीक है, मिक्सर का 40% निकाल रहा है, तो मिक्सर में तो आपके पास में जो वाटर है एल्कोहल है दोनों मिल के आएंगे, तो आपके पास में 2/5 में जो वैल्यू है ये आपके पास में क्या है, ये मिक्सर है, ठीक है। अब इसमें से अगर ये मिक्सर है और ये बोलता है कि 40% एल्कोहल है, 40% है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 40% दो, तो ये अल्कोहल है और 3 आपके पास में क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। इनके अभी इन दोनों को जोड़े तो 5 ही आता है, ठीक है, और 5 क्या है, मिक्सर है, तो 3 पॉइंट आपके पास में किसके हैं, वाटर के हैं, 2 पॉइंट अल्कोहल के हैं। अब ये क्या बोलता है आपके पास में कि इसमें 1 लीटर पानी मिला देता है, ठीक है, तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कि रिक्वायर्ड परसेंटेज आपके पास में कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, 5 आपके पास में टोटल मिक्सर है, उसमें 1 लीटर मिला दिया तो +1 इंटू 100, तो आपके पास में रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, एल्कोहल में आपको परिवर्तन निकालना है तो इसलिए एल्कोहल का मान रखेंगे, अगर पानी में परिवर्तन निकालता एल्कोहल मिलाते तो यहाँ पे वैल्यू 3 आती। अब 2 रख दिया आपने, 5 + 1 = 6, यानी कि 1/3 इंटू 100, ठीक है, तो 1/3 इंटू 100 आपके पास में क्या हो जाएगा, 33 1/3%, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। परसेंटेज जब भी बनाना हो तो फ्रैक्शन से करिएगा, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा और समझ में भी आपको आएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास में कि एन इंटरवल ऑफ 3 hours 40 minutes इज रॉन्गली इन इंटीमेटेड एज 3 hours 45.5 minutes द एरर परसेंटेज इज, यानी कि 3 घंटे और 40 मिनट के एक अंतराल में गलती से 3 घंटे और 45.5 मिनट आपको लिख दिया जाता है तो उसमें कितनी प्रतिशत की एरर आई, ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब देखिए आपको इसमें क्या करना होगा कि सेम वही प्रोसेस आपको अगर आता है तो आपको इससे फोर्स करना है और उसके बाद आपका आंसर निकालना है। एरर देखिए कितने का एरर आ रहा है। अब देखिए इनिश जो आपका फाइनल कितना आया है आपके पास में, 3 hours 45.5 minutes, अब इसमें से एरर कितना हो जाएगा, इसमें माइनस कर दो 3 hours 40 minutes, यानी कि जो एरर आ रहा है 5.5 का आ रहा है, ठीक है, तो एरर आ रहा है 5.5 का और आपके पास में रिक्वायर्ड जो परसेंटेज हो जाएगा वो आपके पास में एरर अपॉन जो आपके पास में क्या है 3 hours और 40 minutes, क्योंकि इसमें ही एरर आपके पास में आ रहा है। अब 3 hour को आपको मिनट में कन्वर्ट कर लेना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 40, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 20, ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में 180 180 प्लस 40 यानी कि
220 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 220, ये 550 हो जाएगा। अब ये देखिए 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 ये 2 टाइम, ये 5 टाइम, ठीक है। ये 0 से 0 खत्म, यानी कि 5/2 आ गया, यानी कि 2.5% का क्या होगा उस मान में एरर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम इफ हैज एक्सपेंडिचर इज हिज एक्सपेंडिचर इज 75 हिज इनकम इन रुपीज इज, यानी कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है और यदि उसके खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय रुपये में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके पास में है, ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आप निकालिएगा और उसके बाद आंसर चेक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या बोल रहा है कि 15% क्या करता है, एक्सपेंडिचर है उसका। अगर 15% एक्सपेंडिचर है तो इसका रेशियो निकालिए, फ्रैक्शन में आप करेंगे तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे, 3/20 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपको क्या रखना है कि जो आपके पास में मैक्सिमम मान होता है वही नीचे आता है जो इनिशियली होता है। अब देखिए नीचे वाली आपके पास में इनकम है, अब एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं तो ऊपर जो मान आएगा वो एक्सपेंडिचर आएगा। जैसे हमने देखा था कि जब प्रॉफिट होता है तो आपके पास में जैसे 20% प्रॉफिट होता है तो 1/5 आता है 25 का परसेंटेज, तो ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और प्रॉफिट जो होगा वो ऊपर वाला हो जाएगा, यानी कि जिस जिसके लिए आपके पास परसेंटेज दिया गया है वो ऊपर आता है हमेशा, ठीक है। और उसमें जो परिवर्तन होता है वो ऊपर वाला ही होता है। जैसे 50% दिया गया है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो ये एक्सपेंडिचर आपका ऊपर आएगा, ठीक है, और नीचे आपका इनकम हो गया। अब इनकम आपके पास में 20 रुपये है, उसमें से 3 आप खर्च कर रहे हैं तो 17 आपके पास में क्या रहे हैं, बच रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास में ये क्या बोल रहा है कि अगर 15% वो खर्च कर देता है तो उसका खर्च क्या है, 75 रुपीज हो, ठीक है। यानी कि 3 की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो अपने हिसाब से खर्च कर रहा है 3, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि वो 75 रुपीज़ खर्च करता है, तो इसके लिए 75 की वैल्यू, 3 की वैल्यू 75 होगी। अब 1 की वैल्यू यहाँ से निकाले तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, क्योंकि 75 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो ये 25 हो गया। अब 25 आपके पास में एक्चुअल मान आ गया। अब इसका आपको पूछ रहा है कि इसकी आय कितनी होगी रुपया में, इनकम आपको रुपये में बताना है, तो इनकम को आपको क्या करना है, इसके 25 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इसका रेशियो आ गया आपके पास में। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आपके पास में 500 आ गया, और यही इसकी क्या हो जाएगी, इनकम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मैंने आपको सारे क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होगा, वो भी मैं आपको जल्द ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको सबको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर नहीं करना है आपको, ठीक है, शेयर ज़रूर करना है, सॉरी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और जो भी समस्या हो कमेंट कर दीजिए, और बस अपना सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।